हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। ऊपर चल रहा है काम, आवाज़ आ रही होगी। तभी मैं मिलती हूँ आपको कपड़े चेंज करने के बाद। यस, चलो। सो गाइस, ये है मेरा आज का बहुत प्यारा सा पिंक कलर का कुर्ता, जो सूट है पूरा, बहुत अच्छा सा अनारकली टाइप है। तो आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और हम करने वाले हैं पूजा शाम वाली, जो रात वाली होती है वो तो चंदा मामा को देख के होती है, वो रात को करेंगे। बट अभी मैं करने वाली हूँ जो दिन की पूजा होती है ना, 4 बजे या 3 बजे के करीब, जो भी करते हैं, जो भी हर किसी का अलग अलग टाइम होता है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी, तो बस दीदी का कॉल आ जाए उनके साथ मैं करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूजा। और अभी दिखाती हूँ, हम मिट्टी की गौर माता बनाते हैं, उनको अच्छी तरह सजाते हैं, बिंदी लगाते हैं, मतलब मिट्टी ही जो पौधे से लेके उनकी गौर माता, उनकी चुन्नी पर चढ़ाते हैं और सारी पूजा करते हैं उन्हीं के साथ। तो चलो कथा करते हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना। टीका लगाया अभी नहीं है, मेरे को हैवी हैवी लग जाता है इसलिए। तो चलो चूड़ी पहन लेती हूँ बस। सो गाइज, अगर आपको पता हो तो मैं तो अचानक से ही कलर लाई थी पिंक। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं पिंक कलर का अपना सूट लूँगी। तो देख सकते हो ये बिल्कुल मैच हो गया है मेरे सूट से, ये चूड़ी। तो मैं सोच रही हूँ ये कलर और ये वाला कलर, जो ये मैं तिलक नगर से लाई थी, ये करोल बाग से। तो ये दोनों देखती हूँ कि कौन कौन से। यार ये जब ये स्टार्ट हो जाते हैं, जब मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ ना, काम करना ऊपर, तो चलो ये दोनों को मिक्स मैच करके पहनते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हो ये मैंने ऐसे पहन लिया है, और आप बता सकते हो कैसी लग रही है। ये मेहंदी देखो कितनी डार्क रची है, और मैंने यहाँ नहीं लगाई है, मेरे को अच्छी लग रही थी बहुत इसलिए नहीं लगाई है। ये देखो धुंधला आ रहा है, ओ कैसा हो गया ये देखो। अब मैं गोल्ड के आगे आगे डाल लेती हूँ कड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गाइज, पूजा हो चुकी है, जो दिन वाली पूजा होती है। अब हम चाय या पानी पी सकते हैं सिर्फ एक टाइम, वो भी सबके अलग अलग होता है सब कुछ। पूजा के बाद पानी पीते हैं कोई, और नहीं पीता कोई कोई, तो हमारे में पी लेते हैं शुरू से ही, और मेरे सब घर में पी लेते हैं। तो हम पानी पियेंगे और चाय पियेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। डोरेमोन, पर ये डार्क नहीं रची ना, डार्क वो वाला दिखा, वो तो छूट गई, ये वाली तो हट गई। चलो दिन कभी भी नहीं आती ना बारिश, बादल तो रहते हैं, स्मोक वाले रहते हैं, बड़बड़ कर रहा है बहुत बुरी तरह वाला। अभी सिर्फ बजे हैं 4:30। ये क्यारा तो इतना मस्त टीवी देख रही है, श्रेक देख रही हो, वाह। चावल और हल्दी, हल्दी वाले चावल बन रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी ना टाइम है, अच्छा लग रहा है, चाय पी ली है, आपको दिखा दी मैंने, और हबी ने भी साथ में पी ली थी, क्योंकि संडे है तो घर पे थे वो, तो पता ही है आपको। और मैंने सब कुछ ये चूड़ी वूड़ी पहन ली थी, बहुत प्यारी लग रही है। अचानक से देख लो पिंक कलर लाई और मैच हो गया। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना,
तो क्योंकि अभी सही लग रहा है मेरे को बनाने का। क्यारा ने आवाज़ कम कर दी, ग्रेट गर्ल, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है ये। तो चलो चलते हैं, मैं खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत दिखा दूँगी अगर होगा तो। वो क्या बना रही हूँ वो बाद में पता लगेगा आपको। हाँ यार, बारिश हो रही है बहुत तेज वाली, मतलब मेरे को लगा धीरे धीरे हो रही है। ये अजीब नहीं हो गया, मैं पहली बार देखा करवा चौथ पे आ रही है, है ना? करवा चौथ पे नहीं आई ना कभी भी। वो देखो हवाई जहाज जा रहा है। हवाई जहाज छोड़ो, नीचे नीचे देखो। गॉड, बारिश। और नीचे नीचे देखो। खाना बना लू। चलो 5 बज रहे हैं ना। ओ 5:30। चंदा मामा नहीं आएंगे आज। चलो चंदा मामा नहीं आएंगे आज, चंदा मामा नहीं आएंगे, सबको तड़पाएंगे। आवाज भी सुन रहे हो? वाह। सो गाइज, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो गया था तो मैंने सोचा पकोड़े बना देती हूँ इन लोगों के लिए। तो कियारा और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने पकोड़े बना दिए थे। सो गाइज, यहाँ पे बनके रेडी हो गया था मेरा खाना। यहाँ पे गोभी आलू बनाए और मटर पनीर बनाया और इसको अच्छी तरह गार्निशिंग कर लिया था मैंने हरा धनिया से। यहाँ पे मेथी आलू बनाया और यहाँ पे मूली का लच्छा बना के बहुत अच्छा लगता है खाना, कभी खाया हो तो आपने। तो मैंने नेक्स्ट बनाया रायता, जो बूंदी रायता होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने पूरियाँ तल ली थी। तो मैं आई हूँ बाहर चंदा मामा जी को देखने, बट 8 बज चुके हैं और हमारे यहाँ से चंदा मामा जी दिखते हैं। कह रहा मेरा हाथ पकड़ लो बेटा, तो ऊपर कुछ और पहन लो, तो हमारे ना यहीं से ही दिख जाते हैं, बस यहीं से दिख जाएंगे। एक बार वो अभी तो कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्या ना, बस 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 यहाँ से ही दिखते हैं, अभी दूर दूर तक नहीं है तो सॉरी, तो चलना पड़ेगा नीचे। चलो आ जाओ कोई। सो गाइज, मैं तो फुल तरीके से वेट कर रही हूँ, 7 हो गए हैं, हवा चल रही है। हवा के चक्कर में मैंने सोचा कि वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि हवा चल रही है। अगर हवा नहीं चल रही होती ना तो बादल नहीं हटते, तो बादल हट जाते तो 9:15 होने वाले हैं। नहीं आया अभी तक कोई भी चांद वगैरह, तो अभी वेट कर रहे हैं हम तगड़े वाला। चलो देखते हैं क्या है क्या है, या फिर ऐसा करते हैं कि अभी हम शिव जी के को अर्घ चढ़ा के फिर करते हैं पूजा। ये करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक नहीं दिखे हैं, तो मैं नीचे ही जा रही हूँ अभी।
मैं आई 7th फ्लोर पे और अब मैं जा रही हूँ 3rd पे। इनके चन्ना मामा भी है मम्मी ने साइड में इनके चन्ना मामा तो चलो खोलते हैं और क्या है। मैच देखना है मैं वीडियो देख बना रही हूं लो चलो इतना तो खा ही रहा हूं सुबह से चलो आ जाओ छुपी चलो जाओ मारा 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 आ जा तो आज मून नहीं आया इसलिए शिव जी का मेरा बच्चा भी तो खाएगा छोटा छोटा टेस्टी टेस्टी। चलो आ जाओ। सो गाइज ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। हमने खाना खा लिया था बहुत तेज भूख लग रही थी एक्चुअली ना सिर में दर्द हो रहा था भूख नहीं लग रही थी तो वही शिवजी जी की मूर्ति से हमने चंदा मामा को अर्घ दे दिया और बस क्योंकि चंदा मामा अभी तक नहीं दिखे 9:30 भी हो जी से भी ऊपर हो गया है तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय।